के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। भारी सुरक्षा के बीच शहर के 29 केंद्रों पर शकुशल संपन्न हुई सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा। रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल जिम हॉल का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। कार्यों की धीमी गति पर जताई नाराजगी, मांगा स्पष्टीकरण। सिंचाई विभाग सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का 14वां वार्षिक मंडलीय अधिवेशन का हुआ समापन। मंडल के पदाधिकारियों का हुआ पुनर्गठन। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने की बैठक। 5 जून से 25 जून तक ब्लॉक सम्मेलन कार्यक्रम पर लगा मोहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में परिषद के सदस्यों की तय की गई जिम्मेदारी। परिषद के सदस्य ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पात्र लोगों को दिलाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। हिंदू चेतना मंच ने निकाली अपने दूसरे चरण की तिरंगा यात्रा। 9 दिनों तक नगर भ्रमण करने के बाद 12 जून को इस यात्रा का होगा समापन। 4 जून को विकास भवन के सभागार में होगी जिला विकास समन्वयन एवं अनुश्रमण समिति की बैठक। जिलाधिकारी ने दी जानकारी। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन के सदस्यों ने बैठक के दौरान आंदोलन की बनाई रणनीति। और पुरुषोत्तम मास में श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर में भक्तों ने किया पूरी श्रद्धा के साथ पंचमी पाठ।